अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए गया, जिस गाड़ी के टायर तकरीबन 50,000 किलोमीटर चल चुके हैं और रिकमेंड किया गया था टायर को चेंज करवा लिया जाए। तो आज प्रोग्राम बनाया है कि टायर चेंज करवाएं। टायर शॉप पे जो कि फैसल टाउन में वाकया है, वहाँ पर गए, पुराने टायर को उतारा जा रहा है। अभी जैक के बग़ैर ये पेच लूज़ करेंगे और फिर जैक लगा के चारों टायर उतारेंगे। ये अब जैक लगा दिए उन्होंने गाड़ी के नीचे, इससे गाड़ी पर उठाएंगे और टायर को के पेच पहले लूज़ कर दिए थे, अब वो पेच खोल के टायर को निकाल लेंगे। पुराने टायर मेरे पाकिस्तान के जर्नल कंपनी के टायर्स थे। अब मैंने फ़ैसला किया है कि इंपोर्टेड टायर्स इंस्टॉल करवाऊं। रिकमेंड यही किया जाता है कि इंपोर्टेड टायर बेहतर हैं, उससे आपकी ड्राइविंग की फीलिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। लाइफ ड्यूरेशन जर्नल टायर्स की और इंपोर्टेड टायर्स की आलमोस्ट सेम ही है, 40-50 किलोमीटर्स ही इनकी लाइफ है। लेकिन जो इंपोर्टेड टायर्स हैं उनसे आपकी ड्राइव काफ़ी स्मूथ हो जाती है और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नहीं होती। जनरल के टायर्स थोड़े हार्ड हैं जिससे वाइब्रेशन फील होती है गाड़ी में। ये ऑलमोस्ट इन्होंने टायर उतार लिए हैं। ये चेंजर मशीन है जिससे टायर रिम से उतारे जाते हैं, पुराने टायर उतार के नए टायर इसमें लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं चेंजर। जो टायर लेने का मैंने फ़ैसला किया है वो होराइज़न के टायर हैं। ये एक नई चाइना की कंपनी है। कंपैरेटिवली इसके टायर सस्ते हैं बाकी टायर्स की निस्बत, जैसे ब्रिजस्टोन है, डनलूप है, इससे होराइज़न टायर काफ़ी सस्ते हैं और इनकी क्वालिटी भी बेहतर है। ये जिस शॉप से मैं चेंज करवा रहा हूँ ये होराइज़न के ऑथराइज्ड डीलर हैं। इनका कहना है कि हम होराइज़न के ऑथराइज्ड डीलर हैं। ये पुराने टायर को उतारा जा रहा है विद मशीन चेंजर और इसी मशीन से नए टायर इन रिम के ऊपर फिट किए जाएंगे। ये जो रिम का साइज़ है ये 13 है, आल्टो गाड़ी का जो रिम का साइज़ है 13 है और जो टायर साइज़ जो नया टायर का साइज़ है वो 165 70 13। पहले जो टायर थे वो 145 थे, अब ये है 165। ऊंचाई के लिहाज से सेम है लेकिन थोड़े से बड़े टायर हैं जिससे गाड़ी की लुक जो है वो बेहतर हो जाती है। इससे बेहतर है। अच्छा। पुराने टायर को उतार रहे हैं। क्या फर्क है दोनों? क्या फर्क है दोनों में? ये पाकिस्तान ही है चाइना? नहीं, क्वालिटी टेक्नीशियन ने बताया है कि दोनों टायर्स की लाइफ ऑलमोस्ट सेम है, जितना देर जनरल का टायर निकालता है उतने ही देर होराइज़न का टायर निकालेगा, लेकिन जो उसकी ड्राइव है वो काफ़ी बेहतर है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं फील होती। अब ये नया टायर वो ओपन करेगा, और उस रिम के ऊपर इसको फिट करेगा। टायर की लाइफ को बेहतर करने के लिए आफ्टर एवरी 1 वीक इसका जो एयर प्रेशर है वो लाजमी चेक करें। ये टायर बता रहा है कि ये टायर फर्स्ट वीक ऑफ 2021, इसकी डेट जो ऊपर मेंशन है 0121, 01 इज़ द वीक ऑफ द ईयर एंड 21 इज़ द ईयर। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ 2021 का टायर है।
अच्छा, वो कहता है कि हम चूँकि ऑथराइज डीलर हैं इसके, तो सबसे पहले ये टायर हमारे पास आता है। जो ऑथराइज डीलर नहीं होते उनके पास आलमोस्ट 8 to 9 months के बाद टायर उनके पास जाएगा। तो ये तकरीबन 6 months ओल्ड टायर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ 2021 है। तो जब भी आप टायर लें तो उसकी डेट लाजमी चेक करें, बैलेंसिंग जिसका फॉर्मेट है 01, फर्स्ट टू डिजिट्स इज़ वीक ऑफ द ईयर एंड नेक्स्ट टू डिजिट्स फॉर द ईयर। टायर के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, टायर का साइज़, टायर की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंटेड होती है। अगर पुराने टायर्स आप लेंगे तो वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, जिससे उनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन जितना टायर फ्रेश होगा उतना ही वो बेहतर रहेगा। अब यूसी मशीन से रिम के ऊपर उसने टायर फिट किया है, अब उसके ऊपर उस टायर के ऊपर हवा भरेगा, ये जो एयर प्रेशर है वो 30 PSI होगा। चला के गया 10-12 किलोमीटर के बाद क्या करना? अब ये दूसरे दिन के ऊपर टायर को वो फिट कर रहा है। अच्छा, नए टायर जब भी फिट किए जाते हैं तो उसके बाद इनके अंदर एयर प्रेशर चेक किया जाता है, वो 30 होना चाहिए, उसके बाद इसकी बैलेंसिंग होती है। ये डिफरेंट टायर्स डिस्प्ले पे लगाए गए हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं कंपनी ने, इनके पास रिम्स भी हैं, टायर्स भी हैं, ऑलमोस्ट तमाम टायर्स जो हैं वो होराइज़न के हैं। ये व्हील बैलेंसिंग मशीन है, इस मशीन से वो व्हील का बैलेंस चेक करेंगे, अगर उसका बैलेंस ठीक नहीं है तो उसके ऊपर वेट एडजस्ट करके उसको बैलेंस किया जाएगा। ये सबसे पहले उसने टायर का साइज़ इसके ऊपर फीड किया, और ये उसके ऊपर बैलेंस इसको कर रहा है, इसको रन करके चेक कर रहा है। ये मशीन बता देती है कि इसका बैलेंस आउट है या ओके है। अभी उसके ऊपर वेट लगाएगा और दोबारा इसको रन करेगा। दोबारा उसने चलाया, अब 0 आ गया, इसका मतलब है ये इसका बैलेंस ठीक हो गया। इसी तरह 1 by 1 चारों टायर्स को चेक करेगा, उसका बैलेंस ठीक करेगा, फिर ये गाड़ी के ऊपर फिट किए जाएंगे। ये सेकंड टायर उसने एडजस्ट किया मशीन के ऊपर, व्हील बैलेंसिंग मशीन, व्हील बैलेंसिंग के बाद रिकमेंड किया जाता है कि व्हील अलाइनमेंट भी कराई जाए। व्हील अलाइनमेंट आप साथ भी करवा सकते हैं और कुछ अरसा चलाने के बाद भी व्हील अलाइनमेंट करवाई जा सकती है, लेकिन व्हील अलाइनमेंट करवानी भी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से सिर्फ व्हील बैलेंसिंग ही करवाऊँगा क्योंकि व्हील बैलेंसिंग ये फ्री कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन व्हील अलाइनमेंट मैं दूसरी जगह से करवाऊँगा, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी का रूटीन में चेकअप करवाता हूँ, ऑयल चेंज करवाता हूँ। उनके पास ज़्यादा बेहतर और लेटेस्ट मशीन है व्हील अलाइनमेंट की। अब ये टायर, नए टायर फिट कर रहे हैं गाड़ी में, जो इनका टायर एक्सपर्ट है वो बता रहा है कि आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर आप प्राण पिछले टायर्स को आगे ले जाएं और अगले टायर्स को पीछे ले जाएं, इससे भी टायर की लाइफ इंक्रीज होती है। उसका कहना है कि अगले टायर्स के ऊपर ब्रेक्स फंक्शन करती हैं,
जिस वजह से वो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन की वजह से। और अगर इनको पीछे किया जाए अब आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर तो दोनों की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। ये उसने एक एडवाइस किया है मुझे। और उसने ये भी कहा है कि आफ्टर एवरी वीक इसका एयर प्रेशर भी चेक किया जाए। अगर एयर प्रेशर प्रॉपर ना हो, कम हो, तो उससे भी टायर जल्दी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। ये सारा काम उन्होंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर कर दिया। व्हील बैलेंसिंग का अलहदा उनके पास टेक्नीशियन है, चेंजर का अलहदा टेक्नीशियन है जो रिम के ऊपर से पुराने टायर उतार के नए टायर लगाता है, जो हवा चेक करता है वो अलहदा आदमी है। अब ये ऑलमोस्ट इन्होंने नए टायर्स लगा दिए हैं। अब इसके कवर्स ये बस ऊपर लगाएंगे। ये मुझे दोबारा बता रहा है कि ये इसकी डेट है 0121 और ये इसका टायर साइज़ है 165/70/13 और ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर टायर के ऊपर प्रिंट की गई है जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है टायर के मुतालिक। ये इसके ऊपर कवर लगा रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।